इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस अध्याय के अगले विभाग में अभी हम लोग आ गए हैं, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को शिल्पकारों का सारा खर्च संभवत क्या कौन करता था? राजा रानी ही देते थे। और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो रहते थे, वो जो उपहार अपने साथ में लाते थे मंदिर में, तो उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी का जो दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, यानी कि जो हम लोग जब भी अंदर भीतर प्रवेश करते हैं उसके दरवाजे के ऊपर ही एक तोरण लगाया गया है, तो उसको बनाने का खर्चा उन्होंने दिया था। और इनकी सजावट के लिए पैसा देने वाले में से जो व्यापारी रहते हैं, कृषक रहते हैं, माला बनाने वाले रहते हैं, इत्र बनाने वाले रहते हैं, लोहार रहते हैं, सुनार रहते हैं, तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल होते हैं जो जिनके खंभों। अभी हम लोग देखते हैं कि इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो ये याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, ऐसे हम लोगों को बोला गया है। तो वहां पे क्या है देखते हैं। यह एक वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई सारी गुफाएं खोदी गई थी, और इनमें से अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ज्यादातर बौद्ध लोग जो थे, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। मतलब बौद्ध भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह जो उपदेश करने जाते थे, तो उनके लिए ये गुफाएं बनाई गई थी। और उन इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है। कुछ जगह पे इन लोगों के चित्र भी बनाए गए हैं, जो हम लोग यहाँ पर भी अभी हमारे विभाग में भी देख रहे हैं, हमारे किताब में भी है, और वहां पर भी उस गुफाओं में भी यही चित्र है। अभी ये तो उदाहरण के तौर पर दिया गया है, और गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र जो रहते थे वो मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। मतलब उस वक्त तो हमारे जैसे अभी विद्युत लाइट वाइट कुछ नहीं था, लाइट लगाओ चलो प्रकाश आ गया, हम लोगों ने काम कर दिया, लेकिन उस जमाने में ये बात नहीं थी। तो उन गुफाओं में कैसे काम किया जाता था, तो बड़ी बड़ी मशाले जलाया जाती थी, और उसके प्रकाश के देख के फिर वो चित्र बनाए जाते थे। और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी आज भी चमकदार और वैसे के वैसे ही है। मतलब उनका रंग जरा भी उड़ा नहीं है, तो सोचने वाली बात है ना। तो ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे, और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। जिन्होंने ये बनाया है वो अभी तक हम लोग उन लोगों के बारे में नहीं जानते, उनके नाम भी हम लोगों को पता नहीं है, वो अज्ञात है, वो करके अभी चले गए लेकिन हम लोग उनको नहीं पहचानते। आगे बढ़ते हैं हम लोग पुस्तकों की दुनिया में। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना भी की गई। उस वक्त कवि भी हमेशा राजाओं के दरबार में रहते थे, तो वो भी अच्छे अच्छे कविता लिखते थे, महाकाव्य लिखते थे। और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कुछ कथाएं, ऐसा सबका मिलजुल कर ऐसी सब कहानियां होती थी। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये एक तमिल कवि है। क्या नाम है उसका? इलांगो। तो इसने ये बनाया था, और उसने क्या लिखा था, कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है।
यानी कि उसने क्या लिखा था, एक आदमी की कहानी। वो आदमी कौन था, एक व्यापारी उस वक्त का, उस जमाने का, उसके बारे में उन्होंने ये कहानी लिखी है। वह पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कनक जी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा और बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरे चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन घर पर कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। और कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरे शहर का विनाश कर डाला। इस तरह से ये कहानी है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले एक सत्तनार द्वारा लिखा गया था और इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है आगे की। उसमें ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी और उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। अभी ये पुरानियों कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, अभी ये हमारा सब पुराना, हमारे अतीत का ये सब कुछ अस्तित्व है, तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उनका संरक्षण करना। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से ही प्रचलित थी, इस काल में भी लिखी गई थी और इनमें इनमें पुराण भी शामिल है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। और पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां इसमें लिखी गई थी और इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई है। और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां लिखी गई है और इसमें से अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। मतलब कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में, और जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके, क्योंकि यही भाषा एक थी जो वो सब लोग उस वक्त समझते थे और वो थी संस्कृत। और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तो वो भी इसे सुन सकते थे। और पुराणों के पाठ, जो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग ये सुनने आते थे, जो मंदिर में रहते हैं वो ये पुराण या कुछ ऐसी चीजें बताते थे पुजारी मंदिर के, तो लोग वो सुनने के लिए मंदिर में आते थे। आगे देखते हैं, विज्ञान की पुस्तकें, यानी कि इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्य भट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी थी। मालूम है आपको शून्य का खोज किसने निकाली है, ये आर्यभट्ट ने, इन्होंने इसकी खोज निकाली है। तो उन्हें इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से ही होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। और उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है कि उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। जैसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ भी थे और खगोलवेत्ता भी थे जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में और हम लोग पता लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको पुस्तकों की दुनिया के बारे में लिखिए, यह आपका प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।